फ्लिप बनाया दौड़ गया हुआ है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आज एकदम बढ़िया और हम भी एकदम मस्त। तो इसी मस्ती और मजे के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। नया दिन, नई जर्नी। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, हम हैं जोधपुर में। तो जल्दी से पहले आपको एक रूम टूर दे देते हैं, फिर उसके बाद नीचे चलेंगे, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर उसके बाद सबसे पहले आज अपन जाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। ये रूम से बाहर का कुछ नज़ारा है ऐसा, और फिर यहाँ से अपन लेते हैं एंट्री। एंट्री के साथ ही एक बड़ा हुआ है डबल बेड और ये एक साइड टेबल, उधर एक चेयर, एक मिरर लगा हुआ है और ये खिड़की के बाहर कुछ नहीं है भाई, ऐसे खिड़की लगा दी है और बस ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं देखिए। और ये रहा बाथरूम, यहाँ का बाथरूम साफ़ सुथरा है, ठीक ठाक से मतलब रूम है। ये अपन को मिल गया था 800 रुपये में फॉर अ नाइट। तो चलिए चलते हैं नीचे, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर चलेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए, चलते हैं। तो अभी अपन ने डिसाइड किया है अपन केवल चाय पियेंगे, नाश्ता लौट के आगे करेंगे, तो पहले मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के लिए जाते हैं। चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई यार, बट पहुंच जाएंगे कोई ना। जा रही ऊँची पे आ रही है तो, बट कोई ना यार पहुँच जाएंगे। तो यार जो ये मेहरानगढ़ फोर्ट है ना, वो बनवाया गया था 1459 में, और बनवाया गया था यहाँ के जो राजपूत राजा थे उस टाइम, राव जोधा जी, उनके द्वारा एक इस किले का निर्माण करवाया गया था। ये किला पूरे 1200 एकड़ में लगभग फैला हुआ है और इसका कंट्रोल अभी इस टाइम है महाराज गज सिंह के हाथों में, तो वही अभी इसे कंट्रोल करते हैं। चलिए मिलते हैं। तो जी अपन आ चुके हैं किले के अंदर और एंट्री फ़ीस बहुत महंगी है यार, 200 रुपये पर पर्सन की फ़ीस है, लेकिन वो वर्थ है कि नहीं वो आपको घूमने के बाद बताते हैं। तब तक के लिए आप किला एंजॉय करिए। अपन सूरज पोल के अंदर घुस जाएंगे। तो जी सूरज पोल के अंदर घुसते ही हम पहुंच गए शस्त्र भवन में, जहाँ पे हमने देखा राजा की पुरानी तलवारें, पालकी, उनका सूट और वो रक्षा करने वाला जो नहीं होता था ये क्या बोलते हैं यार उसको मालूम नहीं, बर्तन और उनके कुछ कपड़े, उनका हुक्का वगैरह सब देखा, मतलब काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है पूरे किले को। तो ये यार शीश महल मेहरानगढ़ पैलेस का। तो जी उसके बाद हम पहुंच गए फूल महल, जहाँ का आर्किटेक्चर काफी सुंदर बना हुआ है। वहां से हम लोग आए कंट्री। ये देखो अपना कहां तक एरिया रजवाड़ा था, तुम देख नहीं रहे। तो यार यहाँ से देखने के बाद पता लगता है कि 200 रुपये देना वर्थ है, मतलब किला काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। इसके अंदर म्यूज़ियम जो भी हैं वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं सरकार ने, 200 रुपये देना एकदम वर्थ है। यहाँ से मतलब नज़ारे भी क्या औसम से आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है एकदम। और अब हम आ चुके हैं तख्त विलास, यहाँ पे भी मतलब काफ़ी अच्छे सजाया हुआ है इस चीज़ को, मिला के महल काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से, अभी भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे यार एक मंदिर है और एक तालाब है, इसको घूमने के बाद हम फिर निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है उम्मीद भवन पैलेस। लेकिन किला में यार घूमने में बहुत मज़ा आया, मतलब 200 रुपये देना एकदम वर्थ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 200 रुपये दे के किला को देख सकते हैं, बढ़िया लगता है अंदर के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। तो यार हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, मंदिर के अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर शायद। Five,
से भी देखो कितने अच्छे नज़ारे आ रहे हैं यार, बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। तो यार हम मेहरानगढ़ फोर्ट घूम चुके हैं और अब निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आपको पता चलेगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।